उत्तर प्रदेश माध्यमिक शैक्षणिकतर एसोसिएशन के नव निर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान समारोह शनिवार को मारवाड़ इंटर कॉलेज के सभागार में किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के लोगों ने नव निर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, प्रांतीय उपाध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव, प्रांतीय आय व्यय निरीक्षक विनोद कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, जिला मंत्री सुधीर कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष दिलीप राय सहित कई अन्य पदाधिकारियों को माल्यार्पण और अंग वस्त्र के बाद उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने अपनी मांगों पर चर्चा करते हुए आगामी आंदोलन की रणनीति पर भी चर्चा की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा, अरविंद पांडे जी मेरे भरत यादव जी का मैं मानता था, प्रताप सिंह जी हमें संघ जितने के जिला प्रताप सिंह जी उनको माल्यार्पण कर गोरखपुर की पदयात्रा निकाले थे गोरखपुर से, वो भी किस तरह से संघर्ष करते हुए हम लोग 11वें दिन पहुंचे थे, वो भी एक इतिहास है। और सड़कों पर वहां जब लखनऊ में हम लोग पहुंचे तो कम से कम 25,000 की संख्या हम लोग को देखने के लिए कि कौन ऐसे पदाधिकारी है कि यह पैदल आकर के जो है का नाम है हम लोग के मांगों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अब बड़ा दायित्व तो मिला है, शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं हम लोग, जो विद्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं वह कर्मचारी हम लोग हैं, और तमाम लोग बड़े नेता सरकार और विद्वज्जन हमेशा यह कहते हैं कि माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालयों की ऋण होते हैं, और हम अगर प्रदेश के शिक्षणेत्तर साथियों ने मेरे ऊपर विश्वास जता करके मुझे यह गुरुतर दायित्व निभाने का मौका दिया है तो मैं उस ऋण को मजबूत करने का कार्य करूंगा, ताकि वह ऋण मजबूत हो और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी समस्याओं से रहित होकर के अपने योग्यता का भरपूर योगदान करते हुए माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान करके माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने का कार्य करें। शिक्षकों की बात कर रहे हैं, हम शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं और शिक्षकों की समस्याओं और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की समस्याएँ बहुत जुदा जुदा नहीं हैं, आपका कहना ठीक है, लेकिन हमारी समस्याएँ थोड़ी सी अलग हैं। हम ऐसे समूह से आते हैं, शिक्षक विधायक भी हमारे प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन वह सदन में हमारी बातों को नहीं रखते हैं, इसलिए शिक्षणेत्तर संगठन को हमेशा अपनी समस्याओं को सरकार के सम्मुख लाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन और सड़कों पर जो है प्रदर्शन करके अपनी बात रखनी पड़ती है, अपनी समस्याओं को रखना पड़ता है। और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, शिक्षणेत्तर संगठन बहुत मजबूती से सरकार से अपने मांगों के प्रति संघर्ष करके आज तक जितने भी राजाज्ञाएँ निकली हैं और आगे भी जब भी समस्याएँ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सामने होंगी, हम लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करके सरकार को अपनी समस्याओं को बारे में जता करके अपनी समस्याओं को दूर करने का कार्य करेंगे।